ओके अल्लाह। बड़ी देर से आई हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हर वक्त इतना गुस्से में रहती हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया। किसी दिन मेरे भाई ने प्यार से देख लिया ना आपको, तो इस मोहल्ले में नजर नहीं आएंगे आप। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, अच्छा मोटी मोटी किताबें जो पढ़ती है। सिर्फ भाभी का लिहाज है, वरना बहुत अच्छा पिटवाना भी आता है मुझे। हटो मेरे रास्ते से, हटो मैं कह रही हूं। अब सवाल यह है कि इश्क के सफर की इब्तदा और इंतहा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इश्क के पहले सिरे पर ला इलाहा और आखिरी सिरे पर इल्लल्लाह, यानी इश्क की इब्तदा ला और इंतहा हू है। ला नफी है और हू अस्बात। रोलिंग रोलिंग जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है जी। नया बाजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सलीमा बाजी ख्याल रखती है? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। कोई मसले की बात तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। सलीमा जी, आप मुझे बताएं कि आपने अपनी जद्दोजहद का सफर कब और कहाँ से शुरू किया? मेरे ये पांचों बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे, तो इनके अब्बू का इंतकाल हो गया, कमाई का कोई जरिया नहीं था। मेरे पास दो ही रास्ते थे कि या तो भीख मांगो या कोई ऐसा रास्ता अपनाती जिससे अपने बच्चों के जीने की जरूरियात पूरी करती। मैंने फिर हिम्मत बांधी और ये सिलाई सेंटर बना लिया। ये है सलीमा, इन्होंने मुश्किल वक्त में खैरात और ज़कात का सहारा नहीं लिया, अपनी मेहनत पर भरोसा किया, एक कारखाने में बेडशीट सीने के काम से शुरुआत की, पैसे जमा किए, मशीन्स खरीदी और फिर अपनी ही जैसी ज़रूरतमंद ख़वातीन को काम देना शुरू किया। कुछ साल काम करने के बाद इन्होंने अपना एक कारखाना बनाया जिसमें अब बहुत सी ख़वातीन काम करती हैं। तो नाज़रीन, ये हैं हमारे मुल्क के बहादुर और मेहनती लोग जिनको आज हम सलाम पेश करते हैं। अस्का बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे भाभी का ख्याल ना होता ना तो इस आबिद को तो ना मैंने। बुरी बात, बहुत बुरा आदमी है वो, बहुत बुरा। तुम गुस्सा नहीं करो बेटी, तो मैंने आज तुम्हारे लिए साग बनाया, मैं अभी लेके आती हूँ, तुम मुँह हाथ धो लो। शाबाश, चलो। वो पता, आज तो उसने हद पार की है। से को पूछे, मोहल्ला है, सौ तरह के लोग होते, पहले तो सिर्फ गली में देख के मुस्कुराता था। पागल, आज तो मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बता रही हूँ आपको, आइंदा से ऐसा कुछ भी किया ना, मैंने भाई को जाके शिकायत लगा देनी है, फिर भले भाभी नाराज हो तो होती रहे। अस्का,